दोस्तों इंडिया की सेकेंड मोस्ट फेवरेट स्कूटर यानी कि TVS जुपिटर की टॉप स्पेक जुपिटर क्लासिक का आज मैं आप लोगों को तीनों कलर्स दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो आप क्लासिक देख रहे हैं ये बेसिकली जो ग्रैंड एडिशन है उसको अब डिसकंटिन्यू करके इसी को इसका टॉप वेरिएंट माना जाता है। और आप तीनों जो कलर्स देख रहे हैं दोस्तों, ये तीनों कलर्स में आपको एक सनलिट आइवरी कलर मिलेगा, एक ऑटम ब्राउन मैट कलर मिलेगा और बीच में ये इंडी ब्लू कलर मिलेगा। तो एक मैट और दो ग्लॉसी कलर यहाँ पे आपको मिलता है। तो आज आप लोगों को मैं इन तीनों कलर्स दिखाऊंगा और शॉर्ट में आपको जुपिटर क्लासिक में BS6 2020 मॉडल में क्या कुछ चेंजेस है ये बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे द बंगाल राइडर एंड मैं हूँ आपका होस्ट अरिजित। और अगर आप पहली बार ये चैनल में हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट से सबसे पहले बने रहिए। दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शुभ TVS आंदुल हावड़ा में, जिनके शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब तो आप चाहे तो वहाँ जाकर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप हावड़ा या कोलकाता के आसपास से है, और मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया रहेगा तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कई सारे यहाँ पे चेंजेस हुआ है और अच्छी बात यह है कि जुपिटर क्लासिक में दूसरे जुपिटर मॉडल्स की तरह ही अराउंड 3,000-3,500 रुपये ज़्यादा बढ़ गया है ये BS6 मॉडल में, तो कॉस्ट के हिसाब से ये काफ़ी ठीक ठाक है। और अगर हम यहाँ पे चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले इंजन के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो इंजन जो है ये अभी इसमें इकोथ्रस्ट FI यानी कि ETFI दिया गया है और अभी BS6 होने के चलते इसमें मैंडेटरी फ्यूल इंजेक्शन आ चुका है। तो फ्यूल इंजेक्शन के साथ साथ आपको इसमें 0.58 का BHP यानी कि पावर में इन डिक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन टॉर्क जो है ये पहले जैसा ही है। अभी आपको पावर मिलेगा 7.3 BHP एट 7500 RPM और टॉर्क पहले जैसा ही 8.4 न्यूटन मीटर्स मिलेगा। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा चेंज आपको हेडलाइट में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हैलोजन हेडलाइट को चेंज करके सारे जुपिटर के मॉडल्स में LED हेडलाइट दिया गया है, जिससे कि हेडलाइट की जो रोशनी है वो पहले से और भी बढ़ गया है। तो आप देख पाएंगे दोस्तों ऊपर की जो यहाँ पे विंडशील्ड आता था जो कि पहले ट्रांसपेरेंट हुआ करता था, अभी ये ब्लैक्ड आउट किया गया है ताकि और भी एक ज़्यादा रेट्रो क्लासिक लुक यहाँ से आपको मिल जाए। और ये DC हेडलैम्प है तो पावर का जो शॉर्टेज होता है उसके कोई भी आपको चिंता यहाँ पे नहीं होगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ फ्यूल इंजेक्शन आने के चलते माइलेज जो है ये अराउंड 4 से 5 किलोमीटर्स पर लीटर बढ़ गया है। और जो चोक है दोस्तों, चोक को हटा के अभी यहाँ पे एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और ये छोटा सा आपको पॉकेट यहाँ पे स्टोरेज स्पेस के चलते मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ अभी इसमें जो माइलेज फिगर्स है वो तो इंक्रीज हुआ ही है, और इसी के साथ साथ आपको मिलेगा एक इंजन मैलफंक्शन लाइट मीटर पर, जो कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है फुल आपका सेंसर में FI सेंसर में तो आपको ये डिनोट करता रहेगा ब्लिंक करके। वैसे मीटर कंसोल पूरा एनालॉग है, कोई भी डिजिटल इसमें अगर होता तो अच्छा होता। आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों जो व्हील्स है उसमें जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन पहले आता था वो अब हटा दिया गया है, यानी कि अभी आपको डिस्क ब्रेक के साथ ही नहीं मिलेगा स्कूटर एज एन ऑप्शन भी नहीं। तो अगर डिस्क ब्रेक्स के साथ होता तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा होता। अभी पहले जैसे ही ये एक 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड OAC 110cc के साथ इंजन के साथ आता है, और 110cc सेगमेंट में जुपिटर क्लासिक एक बहुत ही प्रीमियम स्कूटर माना जाता है। इसमें मेटल बॉडी है, आपको इसमें राउंड शेप के ओल्ड स्कूल क्रोम के मिरर्स देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे सारी चीज़ें पहले जैसा ही है। और बात करें और चेंजेस की तो पीछे की जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो अब 1 लीटर्स बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी आपको 5 लीटर्स के जगह 6 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। और अंडर सीट स्टोरेज जो है दोस्तों ये अराउंड 4 लीटर्स का बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले की 17 लीटर के जगह अभी आपको 21 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि स्टोरेज के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। सीट्स आप देख सकेंगे प्रीमियम जो बैकरेस्ट है उसी के साथ ही आता है, और कॉन्टूर्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फोम और लेदर यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीट्स इसको बना देता है। लेग स्पेस की अगर बात करें, लेग स्पेस भी यहाँ पे डिसेंट सा दिया गया है और एकदम बेसिक यहाँ पे की स्लॉट आपको मिल जाएगा। और आप देख पाएंगे दोस्तों अंदर की जो पैनल्स है ये बेज कलर के पैनल्स है, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम सा लुक दे देता है ब्लैक कलर के पैनल्स के मुकाबले। दोस्तों यहाँ पे अगर हम और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें डुअल साइड हैंडल लॉक आता है, मोबाइल चार्जर तो आपने देख ही लिया, 2 बैक हुक्स आते हैं और इजी सेंटर स्टैंड के साथ ये आता है। पीछे की जो बैकलैम्प क्लस्टर आप देख रहे हैं, बैकलैम्प क्लस्टर बिल्कुल पहले जैसा ही है और इसमें LED बैकलैम्प आता है, लेकिन इसमें जो इंडिकेटर्स ये बल्ब टाइप है। और ये तीनों कलर्स में दोस्तों अगर आप मैट कलर लेते हैं तो मेंटेनेंस का जो प्रॉब्लम जो इशू रहता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर आप ग्लॉसी कलर लेते हैं तो वो चमकता तो ज़्यादा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी कलर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और अंडर सीट स्टोरेज में आप देख पाएंगे एक रेड कलर की पोर्ट है, तो ये बेसिकली
ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स ओबीडी का पोर्ट है। इसके अंदर जैक को लगा के एफआई सिस्टम की हेल्थ को चेक किया जा सकता है। दोस्तों इसमें आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आएगा और पीछे की तरफ गैस चार्ज मोनो सस्पेंशन दिया गया है। और अंडर सीट स्टोरेज आप देख पाएंगे, काफ़ी फैला सा स्टोरेज अब पहले के मुकाबले इसके अंदर आता है। सीट हाइट 765 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm का यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों माइलेज अभी यहाँ पे आपको अराउंड 50 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो तीनों कलर्स में आपको कौन सा अच्छा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। दोनों व्हील में ही आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स आते हैं और दोनों ही जो टायर्स है ये 90x90 साइज़ का 12 इंच का यहाँ पे टायर्स दिए गए हैं। और ब्रेक्स की अगर बात करें तो ब्रेक्स 130 mm के यहाँ पे ब्रेक्स दिए गए हैं। टायर्स यहाँ पे ट्यूबलेस है जो कि अगेन एक अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पे जो वेट है ये 109 kg का है। और जुपिटर की अगर हम आफ्टर सेल्स और सर्विसिंग की बात करें तो इंडिया की एक बहुत ही ये पॉपुलर स्कूटर है, तो किसी भी जगह पर इंडिया में आपको इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में इसका स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा। और TVS का जो आफ्टर सेल्स नेटवर्क है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों यहाँ पे अगर एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता की बात करें तो अराउंड 72,000 का जुपिटर क्लासिक मॉडल आता है। और ऑन रोड प्राइस जो है वो स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी और शोरूम्स में वैरी करता है, लेकिन फिलहाल की जो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस है ये अराउंड 89 से लेकर 90,000 के आसपास है। ये मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि ऑन रोड प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है। वैसे दोस्तों मुझे यहाँ पे एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर होता तो और भी बेहतर लगता और डिस्क ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था। तो कौन सा कलर आपको अच्छा लगा आप बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ।